सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति की बात करें या उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, इस समय दोनों गरमाई हुई है। देश की राजनीति यानी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से आज दो महत्वपूर्ण इस्तीफे हुए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, उन इस्तीफों को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया। खैर, इस्तीफे क्यों हुए? मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी के बाद तत्काल आज इस्तीफा हो जाना, और सत्येंद्र जैन पिछले कई महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में निरुद्ध है, उनका अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ था, पर अचानक दो इस्तीफे आना, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पर जा रही है। कारण क्या है? अब तक कभी इस्तीफे की बात न करने वाले केजरीवाल भी अब शायद जो राजनीति है उसको समझ चुके हैं, कैसे किन चीज़ों को हैंडल करना है। खैर, यहाँ पर बात दिल्ली की नहीं, पर यहाँ पर बात हमने करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। आज बजट पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तमाम तरह की बातों को कहा, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो संस्कृति और जो संस्कार हमको नेताजी ने दिए हैं, उन संस्कारों को देखते हुए हम कभी खराब नहीं बोलते हैं, किसी की पिता को कहकर अंकित नहीं करते हैं, ना ही किसी पिता को ले कहकर यहाँ पर किसी को कटाक्ष करते हैं। ये संस्कार हमको नहीं मिले हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो हमारे और लोग भी हैं वो इन संस्कारों को समझें और इस तरह के बयानबाजी ना करें। खैर, इसके अलावा उन्होंने तमाम तरह की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इन्वेस्टर समिट के नाम से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, होता कुछ नहीं, ना ODOP, ना बेरोजगारी की बातें, ना जनता से जुड़ी बातें, ना जनता के मुद्दे, और इन्वेस्टर समिट में क्या निकल कर आ रहा है ये सब जानते हैं। पिछली 3 इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बाद उनमें क्या निकल के आया, प्रदेश में क्या हुआ, वो सबको पता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात और भी है कि जिस तरह से यहाँ चर्चाएं चल रही हैं वो ये भी कहती है कि अखिलेश यादव यहाँ पर परफेक्ट नेता की तरह अपनी बात को कहते नजर आ रहा है। खैर, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टर समिट 33 लाख करोड़ का यहाँ पर जो एक आंकड़ा सरकार ने पेश किया है, कितना निवेश आएगा और कितना पूरा होगा ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में जितना काम हुआ है वो शायद योगी सरकार में नहीं हुआ, केवल बातें हो रही हैं, केवल इवेंट मैनेजमेंट हुआ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रयागराज हत्याकांड को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही, उस चर्चाओं के दौर में एक अभियुक्त की कल एनकाउंटर हो गया, मुठभेड़ में मौत हो गई। उसके बाद यहां पर लगातार फोटो वायरल का सिलसिला भी शुरू हो गया है, और फोटो वायरल सिलसिला शुरू इसलिए हुआ क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता सदाकर खान की फोटो अखिलेश यादव के साथ भी वायरल हुई। तो अखिलेश यादव के फोटो वायरल होने के बाद ही तुरंत समाजवादी पार्टी मीडिया सेल द्वारा भी तमाम फोटो वायरल की गई, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करबरिया के साथ भी सदाकर खान की फोटो थी। खैर, फोटो वायरल, सोशल मीडिया वायरल, ये तो तमाम चर्चा चलती रहती है, पर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति इस समय बिल्कुल गर्मा चुकी है। आने वाले समय में तमाम तरह की बयानबाजी और होगी क्योंकि सत्र अभी लंबा है, और सत्र में किस तरह का यहाँ पर प्रदर्शन विपक्ष करता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष का भी मजबूत होना कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाता है, और अगर भारतीय लोकतंत्र को गर्मा को बरकरार रखना है तो शब्दावली के साथ साथ विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विधायक के हत्यारे के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उसकी जिस प्रकार से दिन दहाड़े सरकार ने उनको सुरक्षा भी दे करके रखी थी, उमेश पाल को मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ, वह एक संघर्ष और बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, और पिछले काफी समय से भाजपा से वो जुड़े थे, लेकिन जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई वह निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घटना है, और इस काल की हत्या किया जाना यह बहुत दुखद है, और समाजवादी पार्टी का ऐसे अपराध को करने वाले साजिश रखने वालों के खिलाफ अगर संबंध उजागर हो रहा है आश्चर्य की बात नहीं है, जब पुलिस प्रशासन ही सरकार को खुश करने में लगा है और डायलॉग से नहीं सुधरेगी, ये सरकार सोचती है डायलॉग से किसी को सता के नफरत फैला के लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकती है, और ये अमेठी की पहली घटना नहीं है,
इससे पहले भी डबल एंड ट्रिपल मर्डर हो चुका है अमेठी में, अमेठी में, इलाहाबाद में और जगह से भी सूचना उत्तर प्रदेश में आती है। अधिकार सरकार जिस तरीके से डबल ट्रिपल मर्डर हो रहे हैं, क्या उनका भी इनकाउंटर करेगी? क्या इनकाउंटर यही है? और फिर मैंने सदन में कहा कि सरकार को टॉप 10, टॉप 100 सूची माफियाओं की जारी करनी चाहिए। सरकार ये जब कहती है मिट्टी में मिला देंगे, तो टॉप 10, टॉप 100 की सूची जारी करने में सरकार को क्या? सवाल ये नहीं है, सवाल डायलॉग पे चल रही है। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहिए। जो सरकार अपना डीजीपी नहीं बना पा रही है, क्या उम्मीद करो कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? ये वो अधिकारी है जो सरकार तक सब इंफॉर्मेशन नहीं जाने दे रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री डायलॉग मारते हैं। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। प्रयागराज की घटना में सारे दोषी पकड़े जाएंगे और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा हम देंगे। समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया साफ हो गए हैं। जो भी घटनाएं हैं हमारे लिए चुनौती हैं, हम सभी घटनाओं को गंभीरता के साथ लेते हैं और हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपराध के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम इसमें नहीं छोड़ेंगे। कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो, हम कड़ी से कड़ी सजा देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमन चैन को, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को जो डिस्टर्ब करेगा, हमारी सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई करेगी और हम कानून के सभी उपायों का उपयोग करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा इस मामले में देने जा रहे हैं। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और उमेश पाल के परिवारजनों को, पीड़ित परिवार को हम इसमें न्याय दिलाएंगे। एक पकड़ा गया, दो पकड़े गए, और भी तो है, और का भी तो गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। चर्चा में से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के इस्तीफे भी हुए हैं, यहाँ पर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने बयान भी दिए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रयागराज हत्याकांड में जिस तरह से फोटो वायरल हो रही है। खैर, फोटो वायरल होना कोई नई बात नहीं है, पहले भी वायरल होती है, पर फोटो वायरल में ये बात कि अपराधी बीजेपी के साथ भी और अपराधी सपा के साथ भी, पर अपराधी अपराधी होता है अगर उसका राजनीतिकरण करेंगे या राजनीति में आएगा तो जो स्थिति आज हो रही है वही होगी और ये सुनियोजित नहीं, ये हमेशा से होती आई है जब भी राजनीति में हमने अपराध को बढ़ावा दिया है। खैर, चर्चा विषय महत्वपूर्ण। प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से उनके फायरबंद प्रवक्ता नितिन सिंह यादव अपना पक्ष रखेंगे, तरुणा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगी, प्रवक्ता सुभाषपा से दयाराम भार्गव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनके धुआंधार प्रवक्ता विनोद सिंह अपनी बात पूरी करेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर चर्चा पहले मेरा सवाल रहेगा वो नितिन सिंह यादव से। नितिन भाई, आज एक परिपक्व नेता की तरह उन्होंने बात रखी, संस्कृति भी सिखाई, व्यवस्थाएं भी बताई और बताया कि हमको जो संस्कार दिए गए उसको हम फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं। इसके अलावा वो सरकार को घेरते नजर आए और जब उनने सरकार जवाब मांगे तो जवाब कल दिया जाएगा, इसका जवाब उन भी उनको दिया गया। सदन सबने देखा, मैंने भी देखा है, पर इसके बीच जिस तरह से वो लगातार उन्होंने आरोप सरकार पर लगाए हैं और प्रयागराज घटना को लेकर जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पोस्टर वार चल रहा है, फोटो वार चल रहा है, कैसे देखते हैं तमाम मुद्दों को आप? धन्यवाद गुरु जी, आप सबने जिस तरीके से देखा जी, आज आदरणीय नेता विरोधी दल जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से, जिस बेबाकी के साथ जी महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के बाद जी सदन में आज सरकार के द्वारा जिस तरीके से झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए गए जी, $1 trillion की इकोनॉमी की बात जिस तरीके से हो रही है जी, और क्या ग्रोथ रेट होना चाहिए अभी क्या है, 7.2 की बात सरकार कह रही है और 34% का ग्रोथ रेट होना चाहिए $1 trillion की इकोनॉमी जाने में जी, मुख्यमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार ने किस तरीके से उनको झूठे तथ्यों को सामने रखकर गुमराह किया है, इस तरीके की तमाम सारी बातें और साथ ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश के विकास का खाका किस तरीके से
नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक का मेट्रो का काम, ये चर्चा बजट पे नहीं हो रही है, अतीत के माफिया राज पे हो रही है, उसके गुंडों के हिमाकत पे हो रही है जी। आप कहाँ की बात कहाँ ले आते हैं नृपेन जी, यही समाजवादी पार्टी की समस्या है। मुझे लगता है सड़क का काम सदन में करोगे, सदन में सारे मुद्दे विषय पे बात करिए मित्र। मुझे लगता है विवेक जी आपने सुना नहीं, जहाँ आपका मुंह काला हो रहा है वहाँ आप टोक देते पहले। काला मुंह तो समाजवादियों का हो रहा था, हो गया। अच्छा, काला मुंह तो समाजवादियों का हो गया, विषय पे बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए। अल्पसंख्यक मोर्चे का सगा भाई है एक अपराधी, मैंने कहा अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है जी, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है जी। और जो बात आपने पहले राउंड में ही मुझे लगता है कि आपने टोका, तो मुझे लगता है कि आप डिबेट को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते हैं। अपराधियों की बात को आज आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। हाँ। हमें लग रहा है कि जिस तरीके से गौरव भाई जी आज प्रदेश में विकास का खाका आदरणीय अध्यक्ष जी ने रखा, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि समाजवादी सरकार ने कितनी सड़कें, कितने स्टेट हाईवे खोल ले, और किस तरीके से कितने मेडिकल कॉलेज, कितने तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में, किन किन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, सदन के पटल पर रखा, और कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया हो तो आज बताएं, और सबने देखा कि आदरणीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कल पर बात टाल दी गई, मौके पर कोई जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं था। अच्छा, तो ये होता है एक बड़ा विजन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बड़े विजन के साथ प्रदेश के विकास की गंगा बहाई थी, जो आज 6 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सिर्फ झूठे आंकड़ों के माध्यम से और 200 करोड़ रुपए दे करके एक फर्जी डाटा वाली कंपनी को लगा करके जिस तरीके से डाटा मैनेजमेंट करने का काम किया जा रहा है वो पूरा प्रदेश आज जान रहा है। जिस तरीके से नीति आयोग के आंकड़े, जिस तरीके से नीति आयोग के आंकड़े, बिल्कुल निश्चित रूप से सारी चीज अभी आपने देखा है कि वो ग्लोर करके एक कंपनी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में रखा है उसका नाम। अच्छा, कायदा, और उसको 2000 करोड़ रुपए आप 200 करोड़ रुपए आप दे करके और उससे डाटा मैनेजमेंट करवा रहे हैं। अच्छा, ये चीजें बिल्कुल सामने आपके सामने है। अच्छा, और बड़ी चीज जो उन्होंने बहुत विस्तार से रखी, अब बात आ रही है कि एक फोटो वायरल हो रही है, निश्चित रूप से सारे लोगों ने सबने देखा कि एक तरफ देखो नेता ऐसी चीज होती है कि वहां भीड़ के साथ कोई व्यक्ति आ जाए और कोई इंट्रोड्यूस करा दे, बगल में अहमद हसन साहब खड़े हैं, हो सकता है कोई अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यक्रम रहा हो, वो अल्पसंख्यक के मोर्चे के उस कार्यक्रम में भीड़ आती है, और भीड़ आती है तो फोटोग्राफर बहुत सारी होती है जिसके साथ फोटो होती है। ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबको परिचित होंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ भी बहुत सारी फोटो होती है। उधर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता अल्पसंख्यक मोर्चे के भाई का नाम आ रहा है, तो दोनों तरफ से। तो मुझे इस विषय से इतना कहना है कि जो भी अपराधी हो, किसी दल से, किसी समाज से, कहीं से ताल्लुक रखता हो, उसके मुख्यमंत्री बोले कि आप ही पोषित करते हैं और हम लोग इनका खत्म कर रहे हैं, माफिया गिरी मिट्टी मिला देंगे। मैं आपको एक इसका सीधा उदाहरण दे दूं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार में कितने मंत्री हैं जिनका जिनके आपराधिक इतिहास है, ये मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री की सरकार में 52 में से 22 मंत्रियों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, और सजा हो जाए तो 44% की विधायकी चली जाएगी। ये बाकायदा आप क्या नहीं है क्या आंकड़ा है नितिन भाई, आप क्या नहीं है क्या? मैंने क्या कहा कि राजनीति में अपराधीकरण को जिस तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कम करने का काम किया था। अच्छा, तो आप पुराना इतिहास देख लीजिए कि बड़े बड़े माफिया जिनसे कई के प्रदेश के कई जिलों में कई सीटें प्रभावित होती थी। अच्छा, लेकिन चाहे वो अतीक से हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे डीपी यादव हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको रोका था, और जिसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, परिवार में विद्रोह भी हुआ था, सरकार भी हमारी गई थी, और 6 साल के बाद एकता है। लेकिन आज तक किसी माफिया की एंट्री समाजवादी पार्टी में जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कमान संभाली एंट्री नहीं हो पाई। पहले थी ठीक है। देखो सियासत जी, 52 में से 22 मंत्रियों पर मुकदमे हैं, आप लोग सुचिता की बात करते हैं, बोल रहे खुलेआम बता रहे हैं कि प्राधिकरण आपके यहाँ हो रहा है, फोटो वायरल हो रही है, वो आप यहाँ पर ग्राम राज की बातें करते हैं, अखिलेश यादव भी ये बोले हैं सपा पर प्रमुख। देखिए गौरव जी, जी विषय अतीक की गुंडागर्दी की, अतीक के माफिया राज की है। अच्छा, 5 जनवरी 2005, अच्छा, जब अतीक के गुर्गों ने, अशरफ के गुर्गों ने राजू पाल की हत्या की थी, विषय वहां से
शुरू होता है ऐसा सबने देखा, ठीक, लेकिन ये विषय उसके थोड़ा पहले से शुरू होता है। अच्छा, पहले बता दीजिए। पहले से शुरू ये होता है कि अतीक विधायक था, लोकसभा चुनाव जीत के सांसद बन गया, ठीक, और सांसद बनने के बाद उसकी जो सीट खाली हुई उस सीट पर उसने अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया, ठीक, हार गए, और उसी चुनाव में राजू पाल लड़ा जी। राजू पाल चुनाव जीत गया, अशरफ चुनाव हार गए। ये बात अतीक को, अशरफ को पच रही तो नहीं पची, लेकिन समाजवादी पार्टी के उस समय जो आका मुलायम सिंह यादव बैठे थे और आज इनके चचा जी जो शिवपाल जी उस समय प्रमुख भूमिका में रहते थे, हाँ। इन दोनों लोगों की चीजें नहीं पची। अच्छा, महीने भीतर उस राजू पाल की हत्या कर दी जाती है। हाँ। तो सपा वाले कराए क्या? रुक जाइए, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। टोकिए नहीं, मैं उस घटनाक्रम का, चूंकि मैं प्रयागराज से हूँ, मैं उसी क्षेत्र से हूँ, अच्छा, विद्वत उस विषय का गवाह जी। और राजू पाल की हत्या से पहले उसके असले किए जाते हैं, उसकी सुरक्षा हटाई जाती है और उसको प्रयागराज शहर में या वर्तमान प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद जी शहर में उसको तीन जगह दौड़ा दौड़ा करके गोली मारी जाती है, ठीक है। एक नेहरू पार्क मोड़ पे, दूसरा जीवन ज्योति हॉस्पिटल के बाहर जी जल्दी बोले, और तीसरा स्वरूप रानी पे, ठीक। और सारी पुलिस पार्टियां उस दिन हटा ली जाती है रोडों से जी। जब तक अपराधी मुतमइन नहीं हो जाते कि राजू पाल मर गया, तब तक उसको ऊपर दौड़ा दौड़ा के गोलियां मारी जाती। पूरा शहर जंगल राज के हवाले था, ठीक। ये दृश्य प्रयागराज ने देखा है मुलायम सिंह जी के समय में जी। और इस राजू पाल की हत्या कहने को तो इसमें अतीक अहमद और अशरफ शामिल हैं, लेकिन परोक्ष रूप से इसमें पूरी समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार शामिल थी। अच्छा, इन्हें मरवाया था। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति की लाश पुलिस ने अपने उसमें कस्टडी में कर लिया, परिजन मांगते रह गए, नहीं दिया गया। आधी रात को करीब 3 बजे उस व्यक्ति की लाश जली आधी ऐसे गंगा में ढकेल दी गई। अच्छा। जिस जनप्रतिनिधि को तिरंगे में लिपट के जाना था, उस जनप्रतिनिधि को इन लोगों ने आधी रात में चोरों की तरह जला दिया। अच्छा, ये तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र है। अच्छा। जो हमने और उस प्रदेश ने भोगा है। अच्छा। और ये आज बता रहे अपराधियों की सूची हमें गिना रहे हैं, पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति के अपराधी करण के लिए अगर कोई जाना जाता तो मुलायम सिंह जी थे। अच्छा। सारे अपराधियों को राजनीति में ला करके उनको प्रमोशन करने का काम मुलायम सिंह जी, इसीलिए उनको आपने, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, स्पष्ट कर लीजिए, और न व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं उस पद्म विभूषण का स्वागत करता हूँ। अच्छा, मैं नहीं स्वागत करता, स्वागत नहीं करते, एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ। वो भारत सरकार का निर्णय, भारतीय जनता पार्टी से उस निर्णय को मत जोड़िए। अच्छा, ठीक, अच्छा, एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, बतौर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मैं इस चीज की हिमायत नहीं करता। राम कार सेवकों के हत्यारे को इस तरह का कोई पद्म विभूषण पुरस्कार मिले, दिवंगत नेता के लिए नहीं करता, इस तरह की बात है। स्पष्ट बता रहा हूँ, जो आप सुनना चाहते हैं मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब रुक जाइए, चलिए बोलिए। हाँ। इस हत्या के बाद इतना ही नहीं रुके मुलायम सिंह, अशरफ मुलजिम था, दोबारा उपचुनाव हुआ। अच्छा। उसमें समाजवादी पार्टी ने अशरफ को चुनाव टिकट दिया और समाजवादी गुंडों ने उसको चुनाव जिताया, समाजवादी गुंडों ने उसको चुनाव जिता के विधायक बनाया। प्रस्तुत कर रहे हैं, झूठे आंकड़े नहीं है, अपना रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए। नीति आयोग सामने रख रहा है, झूठे आंकड़े हैं ये। आप ये अपना रिकॉर्ड पढ़ के आइए। अशरफ को बतौर अपराधी सदन में है, आप पढ़ लीजिए निकाल के। मुलायम सिंह यादव ने टिकट दिया, पढ़ लीजिए उठा करके। वो समाजवादी गुंडों के बल पे जीत के आया चुनाव। अच्छा, चल ठीक है। और ये लंबा समय उन्होंने जिसके साथ बिताया उनको आपने अपनी गोद में बिठा रखा है, अपना दल से लंबा समय उनका अपना दल के साथ रहा है। देखिए, ये सब कह करके आप अतीक अहमद का लंबा समय, आप बोले तीन से लेकर के अब तक लंबा समय की जगह अपना दल से रहे, अपना दल जिनको आपने गोद में बिठा रखा है पटेल जी को। आज अगर योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहते हैं कि इन अपराधियों को पसरे देख करके माला पहनाते हो और यहाँ नाटक करते हो तो कोई गलत नहीं कहते। अच्छा। समाजवादी नाटक पूरा प्रदेश जानता है। अच्छा। और इन अपराधियों के सिंडिकेट को, इनके संगठन को निस्तारण करने का काम
अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी शासन प्रशासन करता रहेगा, कर रहा है, ठीक है। और अभी एक बार विकेट और गिरेंगे। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मट्टी में मिला दूंगा, आपको पता है क्या? खुला संदेश है, आपको पता है, कंफर्म है। और क्या ये पता है? अंकल होंगे, गाड़ियां पलटेंगी। अच्छा, बिल्कुल पलटेंगी। अपराधियों के लिए हमारे या किसी के मन में कोई सहानुभूत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। नितिन भाई पता चल गया ना आपको भी? चलो ठीक है, प्रवक्ता आप तरुण श्रीवास्तव भाई, यहाँ पर हमारी पार्टी में भी इस समय दुबरा में स्थिति है और वहाँ पर दो इस्तीफे हो गए हैं, सत्यन जैन का और मनीष सिसोदिया का। क्या लगता है जो राजनीति उसको समझते हुए यहाँ पर इस्तीफे लिए गए हैं या स्वीकार किए गए हैं, या अब तक सत्यन जैन का इस्तीफा नहीं हुआ था उसके अब यहाँ पर इस्तीफा ले लिया गया है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह के घटनाक्रम पूरे प्रदेश का देश में चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? तरुण श्रीवास्तव जी, देखिए श्रीवास्तव जी, बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जी पहले जो सरकार थी जी उस पर तो समाजवादी बैठी थी और उस टाइम जंगल राज था। अच्छा, ऐसा भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। अच्छा, और इस टाइम जो योगी जी की सरकार चल रही है जी, इस टाइम क्या राम राज्य चल रहा है जी? राजू पाल की हत्या समाजवादी पार्टी के सरकार में हुई जी, लेकिन उसके गवाह की हत्या जी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में हुई जी। अगर कानून व्यवस्था इनकी इतनी अच्छी थी तो फिर वो बचा क्यों नहीं? अच्छा, सड़कों पे दिन दिहाड़े चार पांच लोग उसको उसके गवाह को गोली मार रहे हैं जी, पूरा दहशत में आ गया प्रयागराज जी। और आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस टाइम का जंगल राज था? अच्छा, आपके टाइम पे भी जंगल राज से महाजंगल राज चल रहा है जी। आप ये देखिए कानपुर की घटना देख लीजिए, सिद्धू मूसेवाला को याद कर लीजिए, तरुणा जी पंजाब को भी याद कर लीजिए। देखिए जंगल राज की बात हो रही है, कानून व्यवस्था पे भी थोड़ा दृष्टिपात कर लीजिए। देखिए जंगल राज की बात हो रही है तो जंगल राज तो दोनों का पंजाब की याद दिला रहा है आपको, पंजाब की याद दिला रहा है भाई। जेल में लड़ गए, जेल में लड़के मर गए भाई। राजस्थानियों का आपको समझना पड़ेगा कि इस पांच साल में पीछे ये कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। अच्छा, और हाथरस का कांड ले लो, चाहे आप कानपुर का कांड ले लो, प्रयागराज का कांड ले लीजिए आप। अच्छा, इसमें तो महा जंगल राज का हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा, अब आप ये बताइए, अभी आप कुछ देर पहले एक वीडियो चला रहे थे, इनके मंत्री इनके नेता ये कह रहे थे कि हम जो है न्याय दिलाएंगे, अगर राजू पाल के परिवार को न्याय दिलाएंगे या उमेश पाल के परिवार को न्याय दिलाएंगे तो जो कानपुर की जो परिवार की हत्या हुई उसपे भी ये हल्ला काट रहे थे कि हम न्याय दिलाएंगे, हमारे परिवार की हत्या हो गई है, पाठक जी कह रहे थे। लेकिन क्या हुआ, सब झूठा कर दिया, सब वहीं पे लपोती कर दी गई। वो परिवार आज रो रहा है, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। अरे 3 लाख रुपए की जमीन दे देते, बाद में 10 लाख 50 लाख का मुआवजा देने से क्या फायदा? उनका जो इंसान है वो वापस नहीं आ सकता, उनका परिवार का जो बंदा मरा है वो वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आएगा। ये संवेदनहीन लोग हैं। अच्छा, भाजपा के लोग संवेदनहीन लोग हैं। अच्छा, इनका कोई परिवार ही नहीं है, योगी जी का कोई परिवार नहीं है, इन्हें पता ही नहीं कि परिवार में कैसे परिवार पाला जाता है। शिक्षा का मॉडल देख लीजिए उत्तर प्रदेश का, गरीब बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं है ढंग के, सब प्राइवेटाइज करे जा रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल और किया था, मॉडल देख रहा हाई कोर्ट इस समय, प्राइवेट के स्कूल इतने महंगे हैं कि एक गरीब आदमी। चलिए ठीक है, तरुणमा जी मैंने आपसे एक सवाल और पूछा था इस्तीफे के पीछे, इस्तीफे हो गए दो बड़ी खबर यहाँ पर है, हालांकि डिबेट का मुद्दा नहीं था पर चूंकि इतनी बड़ी खबर थी तो मैंने उसको उठाना भी जरूरी समझा। दो महत्वपूर्ण पदों के लोगों के इस्तीफे, सत्यन जैन कई महीनों से जेल में निरुद्ध, अब तक इस्तीफा नहीं हुआ था, और विपक्ष यानी बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही थी, पर यहाँ पर आज दो इस्तीफे एक साथ स्वीकार कर लिए गए। क्या मानती हैं कि राजनीति समझ गए हैं या बैकफुट पर है हमारी पार्टी? देखिए ये देश के लिए बहुत काला दिन है, काला दिन है। यशस्वी जो शिक्षा मंत्री है
अरे शराब मंत्री है, आबकारी मंत्री काहे शिक्षा नाम बर्बाद कर रहे हैं। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे भाई शराब आबकारी मामले में घोटाले, शिक्षा मामले में थोड़ी जेल गए। अच्छा, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जो अब लीजिए, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जो रक्षा सौदे में कमीशन लेते हुए पकड़े गए, भ्रष्टाचार कार्रवाई हमने कहाँ मना किया, बेहतर रहेगा। हम थोड़ी कार्रवाई रोक कर रहे थे। कर्नाटक में 40% का कमीशन ले रहे हैं भाजपाई। अच्छा, इन्हें शर्म नहीं आती। येदुरप्पा शिवराज सिंह का आप यहाँ पर घोटाला ले लीजिए, इस पर कोई बात क्यों नहीं होती? इस पे सीबीआई क्यों नहीं जांच होती? क्यों नहीं खोल रही है भाजपाई? घोटाले की जांच सीबीआई कर चुकी है। सीबीआई तो इनके तोते हैं, ये तो भेज देते हैं। अगर विपक्षों को ऐसे ही परेशान करना है, अगर दिल्ली की जनता को ऐसे ही परेशान करना है, तो एक काम करें, ये मोदी जी दिल्ली के राजघाट पे खड़े हो जाएं और सारे विपक्षी पार्टियों को बुला के कहें कि सबको जेल भेजूंगा मैं। अच्छा, राजघाट की नौटंकी तो आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, अभी नहीं नहीं जेल जाने से पहले राजघाट जा रहे हैं। राहुल जी को आपने ऐसे उठाया, 14 दिन में आपने छोड़ दिया, क्या मिला आपको? बताइए क्या मिला? ठीक है मनोज सिंह, ठीक है हो गया। आप जब एक साल में उनका उनके उनके घर पे रेड डाली, मनीष जी के घर पे जी, उनके उनके लॉकर में रेड डाली, उनके गाँव में जाकर रेड डाली, चलिए जब वो कुछ नहीं, चलिए आधार मिलते तब आदमी गिरफ्तार होता है, ऐसे गिरफ्तार नहीं होता। ठीक है, बात पूरी होगी। ठीक है, आधार मालूम है मुझे तरुण जी, आधार चिक चिक के बोल रहे हैं, आधार कौन तोड़ेगा? तीन तीन मुझे आधार पता है, प्लीज। अगर इनके पास आधार होता तो सारे भाजपा, बिना आधार के कोई जेल नहीं जाता। ठीक है। मनोज सिंह आपकी क्या राय है भाई? देखिए घटनाक्रम, देखिए कानून व्यवस्था का जो मसला है गौरव जी, वो बड़ा संवेदनशील होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसमें राजनीति की नहीं, तुम्हारे समय में तुम्हारे गुंडे हमारे गुंडे, इस सबसे बचना चाहिए। गुंडे समाज के लिए प्रदेश के लिए घातक है, बिल्कुल। उनकी उनके और कोई स्वस्थ मानसिकता नहीं होती है। नहीं है, नहीं मैं आ रहा हूँ, देखिए कहीं पर भी है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और इन लोगों के ऊपर यथासंभव कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा। स्थायी कैसी नेता बनाकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, विधायक बनाकर? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हाँ। और देखिए सवाल ये है, जब सरकार अपने आप को कहती है, इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हाँ। ये सारी दुर्भाग्यपूर्ण अफसोसजनक घटनाएं हो रही। अच्छा, पहले नहीं होता, चाहे कानपुर हो, अधिकतम बढ़ गई है, कई बढ़ गई थे। अच्छा, अब देखिए मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद, उन्हीं पर बदमाश तो छोड़ दीजिए, पुलिस इतनी दुस्साहसी है, बेखौफ है कि रात में 2:30-3 बजे वसूली करने के उद्देश्य से जाती है। मैं केवल एक उदाहरण के लिए पेश कर रहा हूँ, और वसूली पे बात नहीं बनती है तो गोली मार देती, हत्या कर देती। यही नहीं, उसके बाद उसको स्वीकार नहीं करती है। ये गोरखपुर का हाल है, जो मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी का केंद्र है, और पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अफसरशाही की नजर महत्वपूर्ण रूप से गोरखपुर पर है। अच्छा। तो इस जब आप सोच सकते हैं गोरखपुर के ये हालात हैं, इतने बेखौफ पुलिस वाले हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। अच्छा। जो असंवैधानिक कृत्य करने में शामिल हैं, तो ऐसे अपराधी जो पेशेवर अपराधी हैं, उनका मनोबल कितना बड़ा होगा। अच्छा। तो ये जो गठजोड़ है पुलिस का, प्रशासन का, अपराधियों का, और सारे अपराधी 99% अपराधी इस समय भारतीय जनता पार्टी की शरण में है। अच्छा, 99% भारतीय जनता पार्टी ने उनको सुरक्षा कवच देने का काम किया है। देखिए उनको, क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं उन्हें आवश्यक भी है। अच्छा। लेकिन सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत बाहें बिछा के, रेड कार्पेट बिछा के वेलकम किया है। देखिए वेलकम किया है जी। तो इस प्रकार से केवल बात करेंगे और पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप करने से आज के जो वर्तमान चुनौतियां हैं कानून व्यवस्था को लेके, जिससे समाज में एक भय व्याप्त है। अच्छा। उत्तर प्रदेश अब, मेरी कुछ दो मित्रों से बात हो रही थी, लगातार जो असली व्यक्ति है, 200-250 करोड़ प्रचार के माध्यम से इमेज बिल्डिंग की बात नहीं, जो आम शहरी है उत्तर प्रदेश से
प्यार करता है, उत्तर प्रदेश में उसका परिवार है, रिश्तेदार है, वो बहुत भयभीत है, अब आने के लिए तैयार नहीं है। कह रहा बाबा ने क्या, ये व्यवहारिक स्थिति है, ये वास्तविक स्थिति है, तो आने से लोग घबरा रहे हैं। अब हम लोग इस ऐसी घटनाएं हो रही तो हम लोग चाहे कर भी उनको सांत्वना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर है उत्तर प्रदेश के। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी को अपनी अपने पद की गरिमा का, उनकी चुनौतीपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए तब जाके बात बनेगी। अगर ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे अपनी नहीं, दोनों है। देखिए हमें तो उत्तर प्रदेश के आम शहरी का हित सुरक्षित करना है। कैसे? भय और आतंक के प्लान है आपके पास? भाव और भय और आपका नेतृत्व आता नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश में नेतृत्व छोड़िए, उत्तर प्रदेश का जो आम शहरी है, क्या उसको मैं आपसे पूछ रहा हूँ विवेक जी से, क्या उस समय भूपेश बघेल भी इसे पत्र लेके आते हैं? आप बताइए उत्तर प्रदेश के लोगों को, गौरव जी मैं आपसे पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या भय मुक्त जीवन जीने का अधिकार है कि नहीं इस सरकार में? कौन मना कर रहा है भाई? कोई मना कर रहा है क्या? बिल्कुल, ऐसी घटनाएं होंगी तो विचलित करेंगे कि नहीं? चलिए लगातार इस प्रकार से अपराधी अभी है, ठीक है तो विवेक जी को ठोस, चलिए विवेक जी समझदार व्यक्ति हो, कई बार स्वीकार कर बात महत्वपूर्ण होती है तो ये पार्टी बीजेपी में पार्टी से अलग भी लाइन रखते हैं, लेकिन आज ये खामोश क्यों है? आज इन पर मुंह पे टेप ताला किसने बांध दिया है? क्या कोई दबाव है इनके ऊपर? क्या कहीं कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने इनको कहीं दबाव डालने की बात? अच्छा बोल ही नहीं रहे। अगर कोई ऐसी बात है तो आज डिबेट पे बैठे हैं आप राष्ट्रीय चैनल पे, खुलासा कर दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता सुभाषपा, दयाराम भार्गव, जवाब लूंगा अभी आपसे, विवेक भाई से। दयाराम भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? दयाराम भार्गव आपको मेरी आवाज आ रही है? संपर्क साथ टूटा हुआ है दयाराम भाई से। दयाराम भार्गव आपको मेरी आवाज आ रही है? चार आप संपर्क नहीं हो, संपर्क किया जाए उनसे। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए भाई। 99% जो अपराधी बीजेपी में है, 1% कहीं और है, बताइए। देखिए आपके मुंह पर टेप लगा हुआ काले रंग का, दिखा तो नहीं मुझे, क्या बता रही? गौरव जी, जी जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, सही बात यह है कि राजनीति में अपराधियों की सहायता लेने का काम कांग्रेस ने ही शुरू किया। पहले सपा थी, अब कांग्रेस हो गई, चलिए ठीक। इंदिरा गांधी जब भाई बच गए, इंदिरा गांधी जी जब प्रयागराज में आती थी जी, जिन भाव का आप फोटो दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, देवान करवरिया जी का, हाँ इनके साथ, हाँ ये फोटो जो दिखा रहे हैं आप जी, इनके पिताजी, हाँ उनके काफिले के आगे आगे चलते थे, नेतृत्व करते थे, ठीक, बुक्खल महाराज। अच्छा ठीक है, तो ये अपराधियों को राजनीति का चस्का अगर किसी ने लगाया तो कांग्रेस ने लगाया। अच्छा ये बात सत्य है कि उनको उससे प्रमोशन देकर के पुष्पित पल्लवित करने का काम प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने किया, राजनीति की मूल धारा में ले आए। लेकिन राजनीति को अपराधियों के टच में ले जाने का काम तो कांग्रेस ने किया, और जिस तरह से आज स्थिति ये हो गई कि अपराधी राजनीतिक दलों को बतौर संरक्षण इस्तेमाल करते, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, ये हर जगह है। मैं इस बात से नहीं इनकार करता कि हमारे यहाँ दो लोग सब दूध के धुले हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में जमानत पे मुकदमे 10, 12, 11 जो भी आप बता रहे हैं, मैं सारी बातें मानता हूँ, लेकिन मानते हैं 99% लोग बीजेपी में अपराधी नहीं, ये बात नहीं है, ये तो अच्छा, आप बोले सम्मान मानता हूँ, तभी पूछ लिया। राजनीतिक स्वच्छता के लिए अभी हमारे आप वो क्योंकि भाजपा में आ गए और उन्होंने भगवा दुपट्टा डाल दिया है, इसलिए वो सन्यासी हो गए, सन्यासी हो गए। वही जो अपराधी थे पहले कांग्रेस और सपा के जमाने में, अब वो ज्यादातर सब भाजपा में शामिल हो गए हैं, उन्होंने भगवा दुपट्टा डाला, भाजपा की वो सब साधु सन्यासी हो चुके हैं। हमने ही MP MLA कोर्ट का गठन किया, ऐसे राजनीतिक अपराधी है या अपराध में है जी, उनका मुकदमे का फैसला जल्दी हो और वो सजा पाए, जमानत मिल जाती है, मैं तो देखता हूं। नहीं, गठन जमानत ज्यादा मिलती है, सुनवाई हो रही है, नितिन भाई समझ रहे हैं। ये जिन महानुभाव का फोटो दिखा रहे होते हैं मान करवरिया जी का जी, वो भी पेरोल की फोटो है। अच्छा छूटे हुए सजा प्राप्त है। अच्छा तो लोअर कोर्ट सजा हो चुकी है जी, तो
तो ऐसे तमाम इस मुद्दे हैं जिसमें सजाएं सुनाई जा रही लगातार, और ये जो आज अतीक का जो मामला ये अटका रहा हाँ। इसमें दो बार यहाँ पे एक मायावती जी की सरकार रही हाँ। पहले तो मुलायम सिंह जी रहे हाँ। फिर मायावती रही, फिर अखिलेश जी रहे। अच्छा, अखिलेश जी लाख अपना दामन बचाए, लेकिन इन लोगों के शासन काल में इसके मुकदमे परवान न चढ़ सके। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही मुकदमा। नितिन भाई बता दे, 52 में से 22 लोग जब इसका आज मुकदमे दर्ज है। रुक जाइए रुक जाइए, ये गवाही हो रही थी। गंभीर मुकदमे तो बहुत है, आज मंत्री सरकार के मंत्री हैं, ये उमेश पाल मुख्य गवाह था। अच्छा, उमेश पाल मुख्य गवाह था, इसकी गवाही हो गई थी 28 को, इसकी गवाही कौन होनी थी, उसके पहले हत्या कर दी। अच्छा, चल ठीक है, ये मुकदमे लोगों के शासन काल में परवान नहीं चढ़ते। अच्छा, मायावती जी के समय में अतीक अहमद से मिलने जेल में नसीमुद्दीन जाते थे। अच्छा, और अखिलेश जी ने इसको श्रावस्ती से टिकट दिया था लोकसभा का। अच्छा, फिर वापस लिया, फिर कानपुर भेजा, इधर उधर टहला करके अपना दामन बचाया, लेकिन दामन बचाने की लाख कोशिशों के बाद दामन नहीं बच पाएगा। अच्छा, आप अभी बोल रहे थे गाड़ी पलट सकती है, नितिन भाई बोल रहे थे पलट सकती है, जो जिस तरह की दृढ़ इच्छा, आपके मंत्री बयान दिए जीपीएस राठौर उन्होंने भी कहा, जिस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों पे अंकुश लगाने में दिखाई है। अच्छा, ये उदाहरण है। अच्छा, इसके पहले भी मुख्तार को ढूंढने यूपी पुलिस गई थी हाँ। मुख्तार हरियाणा में एक मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में छिप गया था। अच्छा, यूपी पुलिस खाली हाथ लौट आई थी कल्याण सिंह जी के समय में। अच्छा, इस बार भी मुख्तार को पंजाब जेल से लाने में छीके आ गई। हमारे अच्छा, कांग्रेस के मित्र बैठे हैं हाँ। बड़ी अभी आदर्शवाद बता रहे थे हाँ। इनकी पंजाब सरकार ने लाखों रुपया खर्च किया सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो दस्तावेज मान लीजिए, शर्माइए थोड़ा, मुस्कुराइए, शर्माइए, एक अपराधी को उत्तर प्रदेश पुलिस तले जाने पाए इसके लिए लाखों रुपया आपने पंजाब के टैक्स पेयर का खर्चा किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के ऊपर। अच्छा, और आप यहाँ उपदेश दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? शर्म बहुत अच्छा, यही एक कांग्रेस की बेशर्मी है, बेशर्मी इसी तरह से आ जाइए। नितिन यादव, नितिन गौरव जी, मेरा यहाँ एक सवाल है, बोल लीजिए, पूछ लीजिए गौरव जी। हाँ, विवेक जी से मेरा एक सवाल है कि यही अतीक अहमद जब बरेली की जेल में थे, बरेली की जेल में थे हाँ। और चुनाव आयोग से रातों रात परमिशन लेकर के उन्हें इलाहाबाद की जेल में शिफ्ट किया गया और इलाहाबाद से चुनाव लड़ाया गया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता भाई? इसके बाद भाई। ये, और इसके बाद आगे भी सुन लीजिए हाँ। जब उनके आतंक उनका पूरा जनता दरबार जिस तरीके से लगता था, गोमती नगर में एक घटना घटी थी योगी जी की सरकार में कि एक व्यक्ति को उठाकर ले जाया गया हाँ। बाकायदा जेल के अंदर उसकी हाँ। पिटाई की गई और हाँ। उसे दस्तखत करवाए गए और बाद में गोमती नगर में छोड़ा गया हाँ। ये मामला जब हाईलाइट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम किया, गुजरात जेल भेजा जाए, लेकिन एक महीने तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अतीक को गुजरात नहीं शिफ्ट किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, जल्दी बोलिए। पहली बात तो देवरिया जेल थी जहाँ पे घटना घटी थी जी, जल्दी बोलिए। दहराबाई जुड़ चुके जब जब इन्हीं की बात का जवाब इन्हीं के पास है जो ये कह रहे हैं। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो इस तरह के सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास होते हैं। अब चुनाव आयोग में उसकी अर्जी पे क्या फैसला होता है ये तो चुनाव आयोग बता सकता है। इसमें सरकार का क्या रोल है? ये जबरदस्ती विषय को खींच रहे हैं, अपना दामन बचाना चाह रहे हैं जी। गौरव जी जी, अतीक के समाजवादी पार्टी में रसूख का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एक फोटो में उसके कुत्ते के साथ मुलायम सिंह जी हाथ मिला रहे बतौर मुख्यमंत्री, वो भी फोटो वायरल है। अब इस पे रही कुछ कहेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दयाराम भार्गव, दयाराम भार्गव, दयाराम भार्गव बोले। दयाराम भाई अपनी बात करिए जी। दयाराम भार्गव बोले। सवाल मेरा केवल यह है कि आज अखिलेश यादव सदन के दौरान भी पूछा कि आप सूद रहे, आप ये बात कहेंगे नहीं कहेंगे, हालांकि उनको जवाब देने का मौका नहीं मिला। और आपकी क्या राय है जो अभी हाल का घटनाक्रम हुआ, प्रयागराज हत्याकांड हुआ है, और जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पर एक परपक्ष नेता की तरह सदन में घेरते नजर आ रहे सरकार को, क्या राय है आपकी? देखिए, अखिलेश यादव जी नकली सूत्र बन रहे हैं। अच्छा, नकली सूत्र बन गए। सूत्र अगर ये होते हाँ। असली सूत्र होते हाँ। तो 4 सितंबर 2013 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब जो है इनको बताया था कि उत्तर प्रदेश में 12 जातियां केवल लाभ ले रही हैं, सामाजिक न्याय समिति के दायरे में रिपोर्ट को ला करके सभी जातियों को जो है देने का काम करिया, तो इनके कान पे जो है जू नहीं रहूंगा, इसको जो है टुकड़े की तरह बिल्कुल छोड़ने का काम किया।
और उसी सदन में अगर ये फोटो मुलायम सिंह अखिलेश, ये देख लीजिए मुलायम सिंह अखिलेश यादव कुत्ते साथ मिला रहे हैं जी, ये फोटो है। दयाराम भाई बात पूरी करिए अपनी, बोलिए जी दयाराम भाई अपनी बात पूरी करिए। तो कह रहे हैं मैं इसकी खंडन कर रहा हूँ, अगर अखिलेश यादव इतने खराब थे अखिलेश सूद थे तो ये 2017 में कहाँ लोग करते घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से भी मोहब्बत थी तो वही बने रहते, क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए थे और आज फिर क्यों उसकी गोद में बैठ गए जाकर के, क्यों बैठ गए भाई? ये बोल लिए तो मैं बोलूं? बोल बोले बोले जवाब आपको देना है, बोलिए। दयाराम भाई आपको झूठा बोला जा रहा भाई, बोले आप झूठे हैं, बोला झूठे आकर पेश कर रहे हैं, झूठे हैं आप लोग। अरे गलबैया मिलाकर, गलबैया मिलाकर गठबंधन भी किया था वो भी याद कर लीजिए, इतने खराब थे गलबैया मिला गठबंधन भी किया था वो भी याद कर लीजिए। हम देखिए ऐसा है, हाँ देखिए गौरव भाई, हम हाँ, समाजवादी के साथ में हाँ, हटके के दलाल थे, बंजारा हाँ, को टिकट दो, कश्यप को दो, बहेलिया को दो, अरग को दो, अगवंती को, कंगार के दो, पिवार के दो, रजवंती को दो, रजवार के दो, कश्यप कहार, प्रजापति नारी गोल्डी, इनके इनके बेटी बेटा को आपने सदन में क्यों नहीं पूछाने का काम किया? उत्तर प्रदेश में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ रहे थे, राजभर जी कहते रहे कि भाई यादव जी आप इनको टिकट दो, हाँ हाँ करते रहे, ये पश्चिम लड़े मध्यांचल में बुंदेलखंड लड़े, किसी को टिकट नहीं दिया, तीनों को आप मिला के देख लीजिए कितना इनकी सीट आई। आप पूर्वांचल में जाते हैं आदरणीय नेता ओम प्रकाश राज के प्रभाव से आप कितनी सीट। अच्छा अपराधीकरण के लिए पीछे आप पीछे है, अपराधीकरण को यानी अपराधियों टिकट नहीं देना चाहिए, ये बात मानते नहीं मानते आप? नहीं देखिए ये तो समाजवादी की, देखिए मैं तो चाहता आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, चुनाव आयोग को आज एक फैसला करना पड़ेगा, कोई ऐसा नियम या गाइडलाइन देना पड़ेगा। अच्छा। जिसमें अगर इस तरह के कृत्या करने वाले लोग हैं, FIR दर्ज है या सजा होता है, इनको चुनाव आयोग। अच्छा अब्बास अंसारी टिकट कौन लिया था भाई? अब्बास अंसारी टिकट कौन दिया था? अब्बास अंसारी को, ये तो समाजवादी पार्टी के नेता थे, ये हम कहा दिए टिकट? अच्छा ये तो इन्होंने तो किया। अब अच्छा, सुनिए हमारी टिकट की बात हुई, 17 टिकट इन्होंने दिया, 5 टिकट को हम हमारे लोग लड़े, बाकी 12 सीटों का चयन अखिलेश यादव जी उदयवीर जो इनके समकक्ष थे उन लोगों ने पैसा लिया, उन लोगों ने कहा जाइए राजभर के सिंबल पर चुनाव लड़िए। अच्छा तो गठबंधन में थे, चुनाव में से हमने इनकी बात मानी। अच्छा तो जाफराबाद से जो विधायक है पूछ लीजिए, समाजवाद क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के सिंबल जो है गाड़ी पे लगा के चल रहे, विधायक चुनाव दिन छड़ी के, विधायक चुन रहे भारतीय समाज पार्टी के, कैसे क्या जाफराबाद विधायक को बोलते की नहीं साइकिल चुनाव के निर्णय करके छड़ी चुनाव दिन गाड़ी पे लगाइए? दर्द बहुत है आपको, दर्द बहुत है नितिन भाई, दर्द बहुत है। बोलिए नितिन भाई जल्दी जवाब दीजिए, समय कम है, बोलिए जी नितिन भाई जवाब दीजिए भाई, आप लोग गलत करते हैं। अरे मैंने तो कहा कि अगर अखिलेश यादव जी नकली सूत्र थे हाँ, तो इनको इतने साल तक क्यों 2013 के बाद 17 तक याद क्यों नहीं आए? 17 में कहा गए बढ़िया डाल करके शरणागत होकर के आए थे और आज क्यों सरकार नहीं बनी तो भाग गए? अगर संघर्ष के रास्ते पे होते तो साथ में मिलकर संघर्ष करते, ये सिर्फ सत्ता के साथ रहना चाहते हैं और सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। अच्छा। जब सरकार होती है जिसकी सरकार होती है उसके साथ बोलना, टिकट आप दिलवाते थे पैसा लेके, माहौल बन गया बोलना टिकट आप दिलवाते पैसा लेके, सरकार जा रही नितिन भाई सरकार बोलना है पैसा आप पैसा लेते टिकट दिलवाने के लिए चले गए, इसके अलावा ये सिर्फ नकली मगर मत आते हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं।
हम बता रहे हैं हमने हमारी पार्टी के जो सतर्क लड़े प्रेमचंद कश्यप लड़े थे उनको चुनाव से तो भारतीय समाज पार्टी ने लाया। पता कर लीजिए कितना पैसा दिए हैं सुनील अर्कवंशी लड़े, पता कर ले हमने कितना पैसा लिया है। उसके बाद हमने जो है चैनल चौहान जी को जो रसड़ा से लड़ाया था, पता कर ले कितना टिकट दिए है, पैसा चूस लिया समाजवादी पार्टी के भी दिए, पैसा तीन बार लेते थे शाम को कहते थे समाजवादी के। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया ठीक है हो गया। तरुण मजी हमारी पार्टी बोलिए तरुण मजी जी बोलिए। हाँ जी गौरव जी, देखिये सपा और भाजपा ऐसे मैं करती रहेगी और ऐसे ही इन्होंने अब पर्सनली अपने एक दूसरे पे कटाक्ष करना शुरू कर दिया, छीटा कसरी करना शुरू कर दिया। अच्छा, जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस वक्त वर्तमान में सरकार बैठी हुई है जी बोलिए जी तरुण जी अपनी बात पूरी करिए। काम करना चाहिए था जी है ना, उसको तो जनता ने, उनको तो जनता ने जवाब दे दिया। अच्छा, जनता ने जवाब दे दिया और आपको बिठाया है इस उत्तर प्रदेश में। आपने क्या किया, आपने सपा से ज्यादा जो अपराध है वो बढ़ा दिया। अच्छा, आप उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं। आर्मी के आंकड़े पढ़ के आया करें तरुण जी। अरे देखिए टिकट की बात हो रही थी, सबको आईना दिखाते दिखाते कभी खुद भी शीशा देख लिया करिए। आपकी भाजपा पार्टी ने बिल किस बात, सबको दिखाते दिखाते कभी खुद भी आईना देख लिया करिए तरुण माजी। पंजाब में आपकी सरकार राजनीतिक हत्याओं की घड़ी लग चुकी है, वहाँ नैतिकता नहीं बची है इनकी। ये दोगले लोग आपके मंत्री जेल में मसाज करा रहे हैं, आप हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं। इनको लूटने आए हैं, सुंदर जैन जेल में मसाज करा रहे थे, सुंदर जैन जेल में मसाज करा रहे थे, आप हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं। आज किस किस मुसीबत में आज इस्तीफा देना पड़ गया बताएंगी, अभी तक तो इस्तीफा नहीं दिलवा रहे थे आप। सतेंद्र जैन का इस्तीफा इतने दिन बाद आज क्यों लेना पड़ा, क्या कारण है? अभी तो आपके नेता चिल्ला रहे थे इस्तीफा दो इस्तीफा दो, अब इस्तीफा क्यों लिया? अभी तक तो नहीं लिया था। सतेंद्र जैन महीनों से जेल में है, ये कैसी बचकानी बात? हम बचकानी नहीं, आपकी हरकतें बता रहे हैं कि संविधान में आपका विश्वास नहीं है। उनके पास संविधान में आपका विश्वास नहीं है तरुणा जी, जल्दी बात पूरी। आपके बचकानी हरकतें बता रहे हैं कि आप संविधान को क्या पढ़ के आते हैं, आप कानून व्यवस्था पे आप प्रवचन छांट रही हैं। हाँ। पंजाब में हत्याओं की सिलसिला शुरू हो गया है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्या बोलेंगी? आपके कार्यालय में निर्णय होता है किसकी राजनीतिक सुरक्षा किसकी रखनी है किसकी हटानी है, ये आम आदमी पार्टी तय करेगी और आप यहाँ बैठ के प्रवचन बताएंगी कानून व्यवस्था पे? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उठा के देख लीजिए एनसीआरबी के आंकड़े। चलिए ठीक है ठीक है, जैन को इस्तीफा आज क्यों दिलवाया, अभी तक तो नहीं दिलवा रहे थे जी। हाँ। इस झूठ फरेब अपराधियों से मुक्ति के लिए तरुण जी हो गया हो गया। देखिए दिलवा दिया होता है 6 महीने बाद देखिए, हम तो ये समझते हैं कि ये जो घटना हुई है ये मुख्यमंत्री जी को उनसे जुड़े संबंधित अधिकारियों के लिए आई ओपनर का काम करेगी। अच्छा। और ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए, भय और आतंक से उत्तर प्रदेश के युवा आम जनता डरी सहमी है। अबे बार बार ये क्यों कर, भय आतंक भय आतंक, क्या भय आतंक? मैं बता रहा हूँ, कितने लड़कों का निवेश आ रहा है, भय आतंक भय आतंक की बात कर रहा है, दिन दहाड़े लगातार। आपने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नहीं देख रही क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप देखने। देखिये देखिये, सवाल ये है गौरव जी, अगर आपके उत्तर आपके दर्शक और उत्तर प्रदेश वासी जान गए हैं भारतीय जनता पार्टी का झूठ फरेब, देश को बचाना है प्रदेश को बचाना है, तो आपके मन में सम्मानित जनता ये ठानना है कांग्रेस लाना है प्रदेश और देश को बचाना है, भाजपा को भगाना है, भाजपा को भगाना है, कांग्रेस को लाना है। राजस्थान में 4 दिन पहले भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ी गई है, ये देखिए खाली मंदिर का दृश्य दिख रहा है, ये कानून व्यवस्था में बता रहे हैं। आप दिन दहाड़े देख लीजिए, हत्याएं हो रही है देख लीजिए, आप ये राजस्थान की फोटो है,
राजस्थान में सुनिए, मैं बता रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ। धर्म भाई प्लीज, एक मैं आ रहा हूँ। देखिए, आप भाजपा से भली भांत परिचित हैं, चुनाव पर ये पूरी तरीके से हारते हुए दिख रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान में हारते हुए दिखने से हिंसा और इस प्रकार की घटनाएं कराते हुए ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनका प्रयास है। लेकिन मैं विवेक भाई को ये बता दूं, कोई भी प्रयास कर ले सारे असफल होंगे। लगातार इनकी झूठ की कलई, झूठ की किताब सामने आ चुकी है। अब कांग्रेस ही, कांग्रेस की विचारधारा, अहिंसावादी गांधीवादी सोच ही देश और प्रदेश वासियों को सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए राजस्थान की कानून व्यवस्था है। ये सब प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजनीतिक रूप से तलवार को धारण कर रही है, राष्ट्र परेशान हो चुकी है। अच्छा। इसलिए ऐसे घटनाओं ठीक है, ठीक है, थोड़ी सहानुभूति लोग कांग्रेस को गंभीरता से ठीक है। धरा मार्गो अपनी बात पूरी करिए, क्या बोले थे आप, समाजवादी पार्टी को भगाना है? देखिए, आपको सफाई नजर आती है क्या? आपको सफाई नजर आती है क्या पूरे प्रदेश में? कांग्रेस नजर नहीं आती, बसपा नजर नहीं आती है कि सफाई नजर आती है क्या आपको? इतना यानी इतना इस प्रदेश में सपा को देखा लोगों ने, बसपा को देखो इन्होंने, कांग्रेस को देखा इन्होंने, अब भाजपा को दो चार में देख लिए, तब बताइए उसके बाद जनता कहाँ जाएगी? मैं इसीलिए कह रहा हूँ समाजवादी समाप्तवादी पार्टी है। अच्छा। तो क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं? अच्छा। क्योंकि ये जो है आदर्श विचारों से भटक गए हैं। अच्छा। ये जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह के जो विचारधारा था उससे भी ये लोग भटक चुके हैं। अच्छा। ये केवल केवल दंगा फसाद कराना चाहते हैं। अच्छा। जितने लूट हत्या अपराध बलात्कार की जगह अपराधे इनके सरकार में हुआ करती थी, अब नहीं हो रहा, परेशान है। अच्छा, ठीक है। और जिन लोगों को एसटीएफ या उत्तर प्रदेश पुलिस पढ़ रही है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, निर्भय दर्द क्यों हो रहा है? जवाब ले, जवाब ले लो, जवाब ले लो, जवाब ले लो, जवाब ले लो, जरा मैं जवाब ले लो, जवाब ले लो, बोलिए नितिन भाई, जवाब दीजिए भाई, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को बिस्किट डाल करके समाजवादी पार्टी पर भौंकने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि असली लड़ाई ये क्या बात है भाई, शब्दावली कैसी शब्दावली, संसदीय मर्यादा का ध्यान रखिए, कैसी शब्दावली, एक राजनीतिक दल के लिए आप इस तरह का संबोधन नहीं कर सकते, कैसी शब्दावली है भाई ये जो आप कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का मानसिक स्तर दिखाता है। लड़ाई लड़े आप एक राजनीतिक बिस्किट डालने वाली बात नहीं कर सकते। सिंह यादव प्रवक्ता सभा नितिन भाई, 46 एसडीएम वाला मामला सुलझा दीजिए भाई, जल्दी बोलिए, समय कम है नितिन भाई, 46 एसडीएम वाला मामला बता दीजिए, देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी पिछले पार्टी थी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो और भाजपा हो, जी सबसे परेशान हो चुकी है जनता। अब वो आम आदमी पार्टी को लेकर आएगी और हमारा बहुत अच्छा यहाँ पर लोग परेशान है, आम आदमी पार्टी से पंजाब परेशान है, बच्चे जेल जा रहे हैं, शराब घोटाला कर रहे हैं, शराब घोटाला खात्मा है वो, शराब घोटाला, तरुणवा जी शराब घोटाले कुछ बोलिए, मसाज पार्लर तिहाड़ जेल का मसाज पार्लर पूछ रहे हैं, तरुणवा जी तिहाड़ जेल में जो मसाज पार्लर चल रहा था कुछ उस पर बताइए, लोग जानना चाहते हैं। सतेंद्र जैन को अभी तक कारागार मंत्री बना के आपने रखा था, 6 महीने बाद इस्तीफा देने की आज क्यों आई? जी आप ये बताइए कि तालिबान को हमसे सवाल मत पूछिए, पहले अपना बताइए, पंजाब में जो राजनीतिक हत्याएं हो रही है अराजकता, ठीक है, मुझे झोंक दिया पंजाब को आपने, उसका जिम्मेदार ठीक है, इधर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, जी आप तालिबान को बजट दे रहे हैं सरकार से, जी पार्टी बड़ा दावा कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी वो आ जाएंगे, तो हमने कहा ये तो वही गांव की कावत चिंतात हो रही है कि घोड़ों के साथ मिटकरियां भी नाल गड़ाने आ गए, कि मेरे ये कौन सी बात है, आप कैसे कैसे आज आप कैसे बयान दे रहे हैं, आज आज कल बिस्किट बोल रहे हैं, कभी नर्तकियां बोल रहे हैं, क्या बात है,
कहोते हैं भैया, मुहावरे किसे कहोते हैं, ये साहित्य का हिस्सा होता है, तो हम किसी को कुछ कह ये साहित्यिक डिबेट है क्या, राजनीति डिबेट है भाई, ये साहित्यिक डिबेट है क्या, राजनीति डिबेट है भाई, ये राजनीति तो साहित्यिक शब्दों का, अभी मैं संसदीय भाषा बोलूंगा तो कहेंगे कि आप ये पार्लियामेंट्री, ये तो मुहावरा है कि घोड़ों के साथ बिस्कनिया बीमार कराने के लिए दौड़ में आ जाए। अच्छा ठीक है, तनुमा जी जवाब दीजिए भाई, तनुमा जी जवाब दीजिए, सर जवाब जवाब ले लो, 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 तनुमा जी जवाब दीजिए। देखिए सपा और भाजपा का झगड़ा तो चलता रहेगा, अच्छा है ना, एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जनता का भला कैसे हो। ठीक है शराब पिला के, जैसे शराब शराब पिला के दिल्ली में भला किया था आपने, पिछली बार का बजट से 50% इन्होंने खर्चा किया है, 50% किसके दिल्ली में जैसे शराब पिलाया है आपने, और जनवरी के आंकड़े उसको बजट कानून व्यवस्था बात हो रही है मैडम, कहां कहां ले जा रहे हैं, हो गया भाई हो गया, उससे क्या लाभ होगा, हो गया हो गया। बस से आखिरी कमेंट जल्दी बोलिए। नहीं देखिए तू तू मैं से और इस आरोप प्रत्यारोप से कोई समाधान नहीं होने वाला है, इन सभी लोगों को जो जिम्मेदारियां मिली हैं ये कहीं ना आपको नहीं मिली क्या, नहीं मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की मैं विशेषकर बात, या बीजेपी और उस पे क्यों बोलते, कांग्रेस पे नहीं मिली क्या, इन्होंने निराश किया है, इन्होंने निराश किया है, अब समय है इनको जिम्मेदारी से गंभीरता से काम करने के लिए, और जो बद से बदतर बदहाल व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की भाजपा शासित प्रदेशों की वो इनको देखना चाहिए, और नहीं होगा तो हम इनको ऐनक भेजेंगे, इनके लिए हवन यज्ञ करेंगे कि कम से कम इनको सद्बुद्धि आए, इनको विचार आए, और ये अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे, और इनकी झूठ की कलई, इनका मिथ्या प्रचार, इनकी जो बेकार की बहसबाजी है उसका पर्दाफाश करना। आपने पूरी डिबेट में सपा को बागोबर दे दिया, मैं पूरी डिबेट में देखा हूँ आपको, सपा को बागोबर कांग्रेस ने दिया है, एक आज सरकार भाजपा की है ना, कानून, अरे मैं तो बात कर रहा हूँ जनरली, बात कर रहा था, प्राथमिक जिम्मेदारी तो ना आपने बुराई की ना अच्छाई की, फिलहाल बागोबर दिया। खैर आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद, तो यह चर्चा थी, बोलिए एक बात में करिएगा, अपने पार्टी में दो ठो छाता खरीद लीजिए, क्या बात मैडम के अलावा कम से कम अध्यक्ष को छाता लग जाया करें, क्या बात। ठीक है ठीक है, आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद, तो विवेक श्रीवास्तव ने आखिरी में कमेंट दे दिया, और कमेंट था कांग्रेस पर कि दो छाता खरीद लीजिए, मैडम के अलावा दूसरे को भी छाता लग जाए। खैर यह मुद्दा था बिरानसा सदन में जिस तरह से यहाँ पर चर्चा हो रही थी, यह मुद्दा था जिस तरह से प्रयागराज कांड के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, और यहां तक कहा जा रहा है कि गाड़ियां भी पलट सकती हैं। खैर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे, वो फिलहाल उस व्यवस्था पर चलते नजर आ रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराधी पैदा करता कौन है, अपराधी पैदा होते हैं जब हम उनको ताकत देते हैं, अपराधी पैदा होते हैं जब उनका हम राजनीति में लेकर आते हैं, अपराधी पैदा होते हैं जब उनको हम जनता का प्रतिनिधि बनाते हैं। तो वास्तव में अगर इस व्यवस्था को दूर करना है तो राजनीति का अपराधीकरण को बंद करना चाहिए, बंद करें, शुरुआत करें, तभी व्यवस्था बेहतर मिलेगी, नहीं तो भस्मास्वरूपी ये अपराधीकरण आने वाले समय में राजनीति को खा जाएगा, और भस्मास्वर की कथा मेरे ख्याल से सबको पता है, बताने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा ना दीजिए, तभी बेहतर लोकतंत्र का निर्माण होगा, अन्यथा ऐसी घटनाएं हमारे व्यवस्थाओं को, हमारी मानवता को शर्मसार करती रहेंगी। तो आज की चर्चा इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।